हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, फोन फिक्स हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया लेकर आता है और धमाकेदार लेके आता है। ऐसे ही फ्रेंड्स, न्यू ईयर के साथ हम एक नया कोर्स जो कि सॉफ्टवेयर का एक एडवांस लेवल का कोर्स लेके आए, जो कि पूरे चैलेंज के साथ बता सकता हूँ, पूरे इंडिया के अंदर आपको यूएफएस के बारे में इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ा रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे 8 से 10 कस्टमर आपके पास आएंगे, तो उसमें से आपके 10 अगर मोबाइल आ रहे हैं आपके पास, तो 8 मोबाइल यूएफएस होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी 4G के बाद 5G में भी जितने भी अगर स्टोरेज आ रहे हैं, वो यूनिवर्सल फ्लैशिंग स्टोरेज, जिसमें आपको यूज करना होता है इजी अटैक और दूसरा होता है मीपी टेस्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, इजी अटैक मीपी टेस्टर, क्योंकि UFI से तो अभी तक आप काम कर रहे थे MMC का, लेकिन एक अच्छा काम करना चाहते हैं MMC के अलावा UFS पे काम करना चाहते हैं, तो ये दोनों बॉक्सेस पे करना होगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पर एक कोर्स कराते हैं ऑफलाइन में, जो कि हमारा बेसिक टू एंड्रॉयड मास्टर लेवल कोर्स है, जिसके अंदर बेसिक भी सिखाते हैं, हार्डवेयर भी सिखाते हैं, सॉफ्टवेयर भी सिखाते हैं, MMC भी सिखाते हैं और UFS तक सिखाते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि काफी सारे इंस्टीट्यूट जा चुके हैं, उसके बाद भी हमारे पास ऑनलाइन भी हमारे पास UFS सीखते हैं और MMC का क्लास सीखते हैं, या फिर दोबारा हमारे पास जितने बच्चे आते हैं ये बताते हैं हमको कि सर, बाहर एंड्रॉयड पे तो काम कराया जा रहा है बट सॉफ्टवेयर और MMC तक ही, लेकिन UFS प्रोग्रामिंग, UFS चेंजिंग कैसे होता है, वो सारा चीज उनको सीखने नहीं मिल रहा है। तो आज इस वीडियो में मेरे साथ है तौफिक सर। तो हेलो तौफिक सर, कैसे हैं? सर बढ़िया है, बढ़िया है। तो जैसे कि आप जानते हैं, तौफिक सर यहाँ पे फोन फिक्स में सॉफ्टवेयर और MMC का क्लास देखते हैं, अब UFS भी यही पढ़ाते हैं। तो अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में आपको UFS का काम सीखने मिलेगा। तो अभी इस वीडियो में बहुत कुछ आपको UFS की नॉलेज मिलने वाली है, तौफिक सर सारे फाइलों के बारे में बताएंगे। और ऑनलाइन, ये वीडियो में हम ये बता रहे हैं, ऑनलाइन आपका 20 नवंबर से आपको ऑनलाइन का MMC UFS का एडवांस लेवल कोर्स, जो कि आपको मास्टर लेवल कोर्स होगा, चाहे कोई भी आपके पास सेट आ जाए तो वो वापस नहीं जाएगा, उसमें आप MMC चेंज कर सकते हैं और UFS भी चेंज कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, UFS कौन सा कर सकते हैं, कैसे करना है, कैसे आपको ढूंढना है, आप हाथ में हैंडसेट पकड़ के बता सकते हैं कि MMC है कि UFS है, कितना स्टोरेज है, कितना GB स्टोरेज है, सारा चीज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइव प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, जो कि हमारी ऑफलाइन होती है। नवंबर 27 का बुकिंग चल रहा है, 2-4 सीटें हैं। अगर आप चाहे तो आप ऑफलाइन आ सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद, अगर आप चाहे तो ऑनलाइन, अगर आप MMC का कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में हमारा हार्डवेयर का कोर्स नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ MMC UFS का कोर्स हम ऑनलाइन कराते हैं। तो अब इसमें कोर्स में क्या क्या रहने वाला है, 10 दिन क्लास होती है और 2 घंटा लाइव क्लासेस होते हैं, रात में हम पढ़ाते हैं 9 से 11। सारा चीज आपको डिटेल व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, फिर सारा कुछ आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे। तो न्यू ईयर धमाकेदार ऑफर है, ये वीडियो पूरा देखिए, बहुत कुछ आपको UFS के बारे में अभी बताने वाले हैं और कोर्स में क्या क्या सीखने मिलेगा। तो तौफिक सर, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए कि कोर्स में सारा कुछ क्या मिलने वाला है 10 दिन, और ये सारे कुछ पार्टीशंस है। अभी तक हम लोग Boot 1, Boot 2, RPMB इस तरह की फाइलें पे काम करते थे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं LUN लॉजिक यूनिट नंबर बहुत सारे यहाँ पर है, तो इसके बारे में बूट फाइल हो गया या सिस्टम फाइल हो गया या बेसबैंड फाइल हो गई, काफी सारे यहाँ पे फाइलें हैं, पूरी क्रिटिकल फाइलें होती है, वो सारा चीज तौफिक सर बताएंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। तो जैसे कि देखो, अभी आजकल ऐसा चल रहा है मार्केट में कि MMC के अंदर हर कोई काम कर रहा है, बहुत सारे दुकानें खुल रही है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, लेकिन आजकल में जो चलने वाला प्रॉब्लम UFS के अंदर, सबसे ज्यादा बीमारी जो आजकल हम फोन में देख रहे हैं, MI के खासकर फोनों में आप देखेंगे कि फोन अगर अपडेट हो जाए तो सिस्टम UI रेस्पॉन्डिंग लिखकर आ जाएगा, या अगर कोई फाइल बीच में अगर मिस हो जाए तो फास्ट बूट पे अटक जाएगा, ठीक है, या फिर सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड लिखकर आ जाएगा। मतलब ये सारे प्रॉब्लम आजकल UFS के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे दुकानदार या बहुत सारे जो मार्केट में बैठे टेक्नीशियन परेशान हो गए कि सर, ये सब चीजें को सॉल्व कैसे करें। हम USB से करना काम आता है, लेकिन हम UFS प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। आजकल यही प्रॉब्लम मार्केट में हो रही है सब लोगों से। तो लोग बहुत सारे कॉल्स आ रहे, सर हमें UFS की स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, सर हमें प्रोग्रामिंग करना आना चाहिए, सर हमें MIPI टेस्टर कैसे चलाना है वो हमें नहीं आता, सर हमें JTAG के बारे में नॉलेज दीजिए। तो ये सारा जो चीज है, हम आपको यही जो हमारा कोर्स है, शॉर्ट कोर्स है, जो कि हम ऑनलाइन में काम करते हैं, यहाँ आने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हो कि आप घर बैठे सीखना चाहते हैं,
तो ये सारा कोर्स आपको मैं घर बैठे सिखाऊंगा, जो कि सारे बॉक्सेस चला रहा है। जैसे कि ईओ फाई में तो आपको पता ही है कि सारा काम हम ईएमसी के अंदर मस्ट बेटर वर्क करते हैं, लेकिन जो ईओफेस की जब बात आती है तो ईओफेस में आपको चाहिए जेटैक या मीपी टेस्टर या मेडुसा प्रो, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा चलने वाला जो बॉक्स है मार्केट में वो है इजी जेटैक, और अक्सर इजी टैक का जो बॉक्स होता है ये बॉक्स में आपको थोड़ा सा जो है कि मैनुअल प्रोसेस है, मतलब ये कोई ऑटोमेटिक वाला बॉक्स नहीं है, ये पूरा मैनुअली चलने वाला बॉक्स है। इसको किस तरह से चलाना है, इसके तीन तीन चार चार टूल होते हैं, वो हर एक टूल का काम कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, ईएमएमसी में कैसे होगा, ईओफेस में कैसे होगा। ये जो मैं आपको पीछे जो दिखा रहा हूं ये एक पार्टीशन है एक ईओफेस के पार्टीशन से। अभी या आने वाले जो फ्यूचर में है जो कि मीडियाटेक और क्वालकॉम और सैम ईओफेस ये अभी मार्केट में हमारे पास चल रहे हैं, ये अभी ईओफेस ये सेटों में ये सीपीयू में आ रहे हैं, तो इन सब में प्रोग्रामिंग किस तरह से करनी है, तो इसका ईएमसी से कोई भी मिलता जुलता प्रोग्रामिंग सेम नहीं है। अगर आप समझ रहे हो कि हमें ईएमसी का काम पूरा आता है तो हम ईओफेस का भी कर सकते हैं, ये अलग होगा, क्योंकि ईएमसी से इसका कुछ भी लेना देना प्रोग्रामिंग नहीं है, पूरा पार्टीशन ही अलग हो जाता है। यहाँ पर EHCHD का जो काम ईएमसी में करते हैं, यहाँ पर वो है चिप कॉन्फ़िगरेशन का काम। यहाँ पर चिप कॉन्फ़िगरेशन काम कैसे करती है, कैसे हमें पार्टीशन को बनाना है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडियाटेक में अगर हम पार्टीशन देख रहे हैं तो ये लॉजिक यूनिट नंबर्स होते हैं जिसमें तीन पार्टीशन होते हैं। मीडियाटेक में आपको तीन पार्टीशन देखने मिल रहे हैं कि लून जीरो का काम क्या होता है, मेन बूटिंग फाइल होती है, इसे हमारा बूट करता है मीडियाटेक का। उसके बाद लून टू सेकेंडरी बूटिंग फाइल होती है, जैसे हमारे लोगोस आते हैं फर्स्ट लोगो सेकंड लोगो जैसा। लून टू हमारा जो यूजर एरिया पार्टीशन है, तो ये सारा मीडियाटेक के अंदर तीन पार्टीशन होना है। कैसे आपको ये प्रोग्रामिंग करनी है तो ये आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा। अब आप बारी आती है क्वालकॉम में। अब क्वालकॉम में देखो मीडियाटेक से पार्टीशन जो होती है लून पार्टीशन दोनों में अलग होती है। जैसे कि इसमें तीन हो गए तो इसमें छह हो गई है, मतलब तीन एक्स्ट्रा हो गई है। तो जो काम यहां पर हम मीडियाटेक में देख रहे थे वहां पर क्वालकॉम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा देखने। तो यहां पर लून जीरो जो है, तो पहले तो लून जीरो यहां पर मेन बूटिंग था, लेकिन यहां पर लून जीरो क्वालकॉम ने यूजर एरिया बना दिया। तो यहां पर इतने लोग कंफ्यूज हो जाते कि सर हम प्रोग्रामिंग कैसे करें, हम फ्लैशिंग जब कर रहे तो सर यहां पर पार्टीशन कुछ और दिखा रहे, कुछ और हो रहा है। तो यहां पर आपको मैं ये सब चीजें सिखाऊंगा कि आपको कभी ईओफेस चेंज करनी है मीडियाटेक में, अगर आप ईओफेस चेंज कर रहे हो और आपने क्वालकॉम से सेट से ईओफेस निकाली है तो उसमें तो छह पार्टीशन मिलेंगे। अब आप छह पार्टीशन तो मीडियाटेक में यूज नहीं कर सकते, आपको बनाना पड़ेगा तीन पार्टीशन। तो कैसे बनाएंगे, चेंज कैसे करने का प्रोसेस है, ये सारा आपको हमारी क्लास के अंदर पूरा डिटेल में बताया गया, बेसिक से एडवांस में पूरा बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको एक वन बाय वन सारी चीजें बताई जाएगी। तो उसके बाद आप देखेंगे हमारे टोटल 10 दिन का कोर्स होता है। 10 दिन के अंदर आपको डेली 2 घंटा रात में देना होगा, क्योंकि जो टाइम हम लोग जो रखे हैं वो टाइम पे आप लोग सब लोग फ्री रहते हैं, क्योंकि दिन में अगर रखेंगे तो एक्चुअली आपको पता है कि दिन में कस्टमर होता है, दुकान चलानी होती है, और कस्टमर उस टाइम आपको टाइम नहीं दे पाएगा कि क्लास कैसे लेनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने रात में 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में टाइम रखा हुआ है, और जो हमारी 2 घंटा वहां से क्लास चलेगी। तो डेली हमारी 10 दिन क्लासेस चलेगी, जिसमें से हम आपको तीन चीजें बताएंगे। एक रहेगी हमारी बेसिक से यूएसबी फ्लैशिंग। अगर जो देखो सब यहां पर स्टूडेंट कैसे होते हैं कि हर बंदा ईओफेस नहीं जानता, हर बंदा ईएमसी नहीं जानता, हर बंदा यूएसबी से फ्लैशिंग नहीं करना जानता। तो हमारा काम जो है स्टार्टिंग से है यूएसबी से काम कराना, यूएसबी से फ्लैशिंग, एफआरपी, जो भी टाइप के टूल होते हैं, ईएमटी अनलॉक टूल, पैंडोरा बॉक्स, ये सारे चीजें हम बता देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आते हैं ईएमसी और आईएसपी के ऊपर। तो हमने यहां पर सारा शेड्यूल बना के रखा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं हमने यहां पर देखो ऑल सीपीयू मतलब कितने टाइप के सीपीयू आते हैं वो सारे सीपीयू के बारे में बताते हैं। डेड वुड सेक्शन, डेड वुड रिपेयर क्या होता है, डेड वुड रिपेयर किस तरह से करना है वो ईएमसी के अंदर हम दिखाते हैं। उसके बाद डंप फाइल इंफॉर्मेशन, मतलब जो डंप फाइल ईएमसी के अंदर हम लेते हैं, जैसे कि यूजर एरिया, बूट वन, बूट टू, EHCHD, ये हमारे ईओफाई में हो गए। जेटैक में अगर लेंगे तो EHCHD, रोम वन, रोम टू, रोम थ्री, ये नाम से हमारे डम आते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें बना के रखे और हम ये सारा लाइव क्लास में बताते हैं। उसके बाद ईएमसी ब्रांड एंड इन्फॉर्मेशन, मतलब कितने टाइप के ईएमएमसी मार्केट में है और कितने सेटों में क्या ब्रांड लगकर आती है, वो भी हम इसके सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कौन सी ईएमसी को हम किस तरह से प्रोग्रामिंग करेंगे और कौन सी ईएमसी चेंज होगी, कौन सी ईएमसी हेल्थ रिपेयर होगी, कौन सी ईएमसी आगे चलकर आरपीबी क्लेन होती है। तो ये सारा चीज हम इन्फॉर्मेशन यहाँ रखे। उसके बाद है ईएमसी चेंज वाला कोर्स, मतलब जो कि ईएमसी जितने टाइप के ईएमसी मार्केट में आती है
जैसे कि मीडियाटेक के साथ लगकर आएगी, क्वालकॉम के साथ लगकर आएगी, सैमसंग के साथ लगकर आएगी, एसपीडी में भी लगकर आएगी। तो सबका प्रोग्रामिंग अलग अलग है, एमएमसी चेंज करने का तरीका अलग है, किसी में डंप फाइल डालना होता है, किसी में ईएनजी रोम डालना होता है, किसी में डेव सीएफजी डालना होता है, किसी में बूट लोडर अलग करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सारी चीजें हम एमएमसी के कोर्स में बताते हैं। उसके बाद एमएमसी के आइडेंटिफिकेशन, जब आप एक डिटेल लेते हैं एमएमसी का, एक बॉक्स में डिटेक्ट करते, तो वो सारे डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि हमारी आईसी सही तरीके से चल रही है या इसकी कुछ प्रॉब्लम होने वाली है आगे चलकर। तो ये सब चीजें जो है तो हम एमएमसी इंफॉर्मेशन बताएंगे। उसके बाद आईएनए की डिटेल्स फाइल, मतलब जो हमारे सिक्योरिटी फाइल्स होते हैं, हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर एक मेन चीज होता है कि हमारा बैकअप लेना सिक्योरिटी का। अगर वो बैकअप अगर नहीं लोगे तो आप कोई भी फोन प्रोग्रामिंग कर लो, चाहे एमएमसी हो या यूएफएस, आप यहां पर अटक जाओगे। मेन चीज यही होता है, तो इसको किस तरह से बैकअप करना है, ये फाइलों का काम क्या है, हर सीपीयू का अलग अलग फाइल होता है, तो वो फाइल हम इसमें बताएंगे कि किस तरह से काम करती है। तो आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है, आईएसपी एमएमसी पिन आउट, मीडियाटेक फ्लैशिंग, क्वालकॉम फ्लैशिंग, सैमसंग फ्लैशिंग, यूएफएस क्लास, यूएफएस आईएसपी पिन आउट, यूएमटी का जो टूल्स होते हैं, सारे इंफॉर्मेशन, ये सारा डिटेल हमारे यहां पर सब कुछ है। और भी मैं आपको चीज दिखाऊंगा, जैसे कि देखो मार्केट में बहुत सारी चीजें आती है, एक चीज ये भी दिखा देता हूं डेमो में। जैसे कि देखो हम जब यूएसबी से काम करते हैं, जो यूएसबी काम करने वाली की बात बता रहा हूं, कि जो यूएसबी से काम करते हैं बहुत सारे लोग फंस जाते हैं यूएसबी में, कहीं ना कहीं एरर आते हैं। तो इस तरह से जो एरर आते हैं, डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप फेल्ड, ठीक है, इसमें काम क्या करना होता है ये हम डिटेल बताएंगे आपको। उसके बाद यहां पर देखो, यहां पर जो बी ए का एरर आ रहा है, ये एरर्स आते हैं, हर चीज के एरर्स हम आपको सोल्यूशन देते हैं, ये इसको कैसे सॉल्व करना है, ये बेसिक चीजें आती है हमारी, ये सब बेसिक चीजें में आता है। हम ये सब चीजें हम आपको एकदम इजी वर्क में। फिर यहां पर फ्लैशिंग में फेल्ड हो रहा है, कहां पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है, यूएसबी से हम बता देंगे ये सब चीजें। देखो मैं और भी बताता हूं, ये एरर कब आएगा, क्या करना पड़ेगा ये एरर, जैसे हम यूएमटी टूल खोलते हैं कि ये एरर आ जाता है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है, बहुत सारे लोग जानते भी और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते, आज भी हम लोग को पूछते कि सर ये कैसे सॉल्व होगा। तो सारा चीज हम कोर्स के अंदर बताएंगे, ये क्यों एरर आ रहा है, हर एक एरर का हम सॉल्यूशन देंगे। देखो बहुत सारे एरर आते, ठीक है, तो देख सकते हैं यहां पर सिस्टम पार्टीशन इज मिसिंग, ये भी हम यूएमटी में बहुत ज्यादा देखने मिलता है। ये कब आता है, ये दो जगह टाइम पे आता है, एक जगह पर स्टोरेज अगर यहां पर देख सकते हैं स्टोरेज डेड है तो इसके लिए ये आ रहा है, किसी जगह पर स्टोरेज भी है, यहां पर स्टोरेज दिखाएगा लेकिन पार्टीशन आपको मिसिंग ही बताएगा। तो ये अलग अलग टाइप के अलग अलग सोल्यूशन होते हैं, हम आपको डायरेक्टली सारे लिखवा देंगे, वीडियो भी मिलेगा और आपको इसका पूरा पूरा सोल्यूशन डायरेक्ट मिलेगा। तो इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा, क्योंकि अगर आप अंदाजे से काम कर रहे हैं या अभी भी YouTube फॉलो कर रहे हैं, किसी का देखकर सीखना चाह रहे हैं, तो अभी भी आप अधूरे नॉलेज में ही चल रहे हैं। जब तक आप एक किसी से सीखेंगे नहीं और जब तक अपना काम मार्केट में बैठकर करेंगे नहीं, तब तक आप अपना खुद का नॉलेज आधा ही समझेंगे। तो इसके लिए अगर आपको फुल नॉलेज चाहिए तो ज्वाइन करिए हमारे फोनफिक्स हैदराबाद चैनल को, और हमारी बुकिंग जो चल रही है, हमारी ऑनलाइन की क्लासेस है 20 डेट को चालू होगी और ऑफलाइन है 27 नवंबर। तो अपनी बुक्स जल्दी से जल्दी सीट बुक करिए और अपनी क्लास की जो भी चीजें हैं हम आपको पूरा डिटेल में बेसिक टू एडवांस आपको ये कोर्स में पूरा बता देंगे। हम क्लास के साथ साथ आपको सिर्फ क्लास ही नहीं बताएंगे, सारा चीज नहीं, उसके साथ साथ हम आपको 1 ईयर का सपोर्ट भी देंगे। जैसे कि क्लास के बाद बहुत सारी चीजें हमारी कुछ डाउटें रह जाती है, तो हम उसको सपोर्ट के जरिए से देते हैं। सपोर्ट का मतलब यह है कि सिर्फ आपको मैसेज ही नहीं देना, आपको टीम वर्क पे आकर सपोर्ट करना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना, कॉलिंग पे बात करना, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं, ग्रुप के अंदर भी हम आपको वहां पर सॉल्यूशन भी देते हैं। हम हर जगह से आपको सपोर्ट करेंगे, कोई भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कम से कम 6 महीने के अंदर ऐसे बन जाएंगे एक्सपर्ट कि आपको कभी बाद में फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई चीज को आपको फिर से सीखना पड़े। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।